लैंड फॉर जॉब मामले में नित्यानंद राय ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पहले के जो रेल मंत्री थे वो नौकरी के नाम पर जमीन लिया नौकरी करते थे। पहले के जो रेल मंत्री थे वह जो युवा नौकरी के लिए दर दर भटकते थे उनसे जमीन लेकर नौकरी दिया करते थे, और अब एक तरफ मोदी के नेतृत्व में रेलवे विभाग कितना तरक्की पर है जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, दर्जनों वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, 2 दर्जन ट्रेन पहले चला दी गई है और आज 9 वंदे भारत ट्रेन चलेगी। जहां एक तरफ सेमी हाई स्पीड की ट्रेन चलाई जा रही है, वहीं एक जमाना था कि रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लाचार बेबस नौजवानों से जमीन ले लिया करते थे। आगे नित्यानंद राय ने कहा कि याद कीजिए लालू प्रसाद यादव के उस जमाने का जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे। उसे टाइम वैसे नौजवान जिनके माता पिता की खून पसीने की कमाई को जो वो जमीन के अन्य किसी भविष्य के लिए, कोई मकान बनाने के लिए, जो कुर्सी, कोई अन्य कामों को करने के लिए जमीन की उपज से कोई काम करेंगे, वैसे मजबूर लोगों को उनके जमीन को रेलवे में जमीन के नाम पर लालू यादव के जमाने में नौजवानों के बेवस्था को समझी नहीं गई। हमें मालूम है कि बहुत से लोगों की जमीन ले लिए गए हैं, पैसे ले लिए गए हैं, लेकिन नौकरी भी नहीं दी गई है। आज जहां एक तरफ रेलवे का इतना विकास हो रहा है, वहीं लालू यादव के समय रेलवे में सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला ही था। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे विभाग कितना तरक्की पर है जिसके माध्यम से करोड़ों नौजवानों को, लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, दर्जनों वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, 2 दर्जन ट्रेन पहले चला दी गई, आज भी 9 वंदे भारत ट्रेन चलेगी। एक तरफ वंदे भारत ट्रेन जैसी सेमी हाई स्पीड की ट्रेनें चलाई जा रही है, और एक जमाना था कि रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोग बेबस नौजवानों से जमीन ले लिया करते थे, बेबस नौजवानों से। याद कीजिए श्रीमान लालू जी के उस जमाने का जब वह रेल मंत्री हुआ करते थे, वैसे नौजवान जिसके माता पिता अपने खून और पसीने की कमाई से जीवन के अन्य किसी भविष्य के लिए, कोई मकान बनाने के लिए, कोई अन्य काम करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इस जमीन की उपज से हम अपना जीवन यापन करेंगे। वैसे उनके जमीन को रेलवे में नौकरी के नाम पर श्रीमान लालू जी के रेल मंत्री के जमाने में नौजवानों की व्यवस्था को समझी नहीं गई, बेबस नौजवान उनको जमीन देकर नौकरी प्राप्त करी किए। मुझको जो जानकारी प्राप्त है कि बहुत सारे लोगों से जमीन ले लिए गए, पैसे ले लिए गए, लेकिन उनको नौकरी भी नहीं दी गई। एक तरफ आज रेलवे का इतना विकास हो रहा था, एक समय लालू जी के जमाने में रेलवे में सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला ही था, और उस घोटाले में उनके पुत्र तेजस्वी जी इस प्रकार से लीन थे। उनको पता उस समय नहीं था कि भारत की कानून कभी न कभी अपराधियों तक पहुंचता है, घोटालेबाजों तक पहुंचता है, भ्रष्टाचार करने वालों को तक पहुंचता है। कानून का हाथ आज पहुंच गया है तो आज उनको तकलीफ हो रही है।